कैसे इनको अपने घर से निकाल दिया गया, परिवार के लोगों को अपने हाथों से मारा है लोगों ने। पहले बॉर्डर नहीं था तो हेलो यात्री, स्वागत है आप सभी लोगों का अमृतसर में। अभी मैं अमृतसर आ गया हूँ, कल ही आ गया था। कल थोड़ा बहुत ऑफिस का काम वगैरह था तो वही काम वाम कर रहा था मैं। एक बार ना मैं पहले भी अमृतसर आया हुआ हूँ, बट अभी तब से अभी में ना बहुत चेंजेस हो गया है। यहाँ पे जो गोल्डन टेम्पल और जालियांवाला बाग प्लस अभी जहाँ हम लोग जा रहे हैं ये पार्टीशन म्यूजियम है, यहाँ पे ना पूरा बढ़िया रोड बना दिया है और गाड़ी वाड़ी अलाउड नहीं है, तो आराम से यहाँ पे रात में वॉक कर सकते हो, लाइट्स वगैरह जलता है तो काफी सुंदर लगता है। आज रात में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, कल मैंने खुद देखा था। अभी हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग, आज सैटरडे है, पूरा छुट्टी है मेरा, कल संडे है, कल भी पूरा छुट्टी है, तो दो दिन पूरा अमृतसर घूमने वाला हूँ, आप लोगों को भी साथ में घुमाऊंगा। सबसे पहले हम लोग आए हैं पार्टीशन म्यूजियम, तो अभी देखते हैं अंदर पार्टीशन म्यूजियम जाएंगे, इसके बाद जालियांवाला बाग जाएंगे, बगल में ही है, यहीं से थोड़ा दूर आगे जालियांवाला बाग है प्लस गोल्डन टेम्पल है और पूरा कॉरिडोर है, कॉरिडोर में वॉक रात में बहुत सुंदर लगता है, वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले चलते हैं पार्टीशन म्यूजियम, यहाँ पे टिकट ले लिया हम लोगों ने, अब अंदर चलते देखते कैसा है अंदर। व्लॉगिंग पता नहीं अलाउड होगा कि नहीं, अगर नहीं होगा तो मैं निकल के आप सभी लोगों को बता दूंगा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। गाइज अभी पार्टीशन म्यूजियम से बाहर निकल गए, अंदर में तो फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं था, और 100 रुपये का ना 10 रुपये का टिकट है, टिकट बहुत ही सस्ता है, और 100 रुपये का ना इसमें ना ऑडियो वाला वो आता है एक, मतलब आपको छोटा सा वॉकमैन टाइप का दे देंगे, कान में आप लगा के जहाँ भी जाओगे ना सारा आपको बताते चलेंगे कहाँ पे क्या कैसे हुआ था। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ले लेना, साथ साथ में आप रीडिंग करना, यहाँ पे टाइम लेके आना। अगर आपको भारत का इतिहास मतलब अच्छा लगता है इतिहास पढ़ना और ये सब, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आराम से टाइम निकाल के आना, आराम से देखना, दो घंटे लगेंगे, मतलब जल्दी जल्दी में अगर आप खाली देख देख के निकल जाओगे तो आधे घंटे में भी हो जाएगा, बट आराम से 2 घंटे दोगे ना तो पूरा इतिहास पता लगेगा, सब कुछ पढ़ोगे ना, बहुत डिस्टर्बिंग है ये, तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। अगर आप इतना ज़्यादा मतलब डिस्टर्बिंग फैक्ट्स ये सब में कंफर्टेबल नहीं हो तो उस केस में आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट हाँ ठीक है, मेरे को लगता है ऐसे कि हम सभी लोगों को जानना चाहिए इतिहास में क्या हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है मेरे को लगता है कि आज के डेट में ना लोग काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, लोगों को ठीक से पता नहीं है एग्जैक्टली क्या हुआ है। यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह लगे हुए बाहर में, आप देखो मतलब अंदर में तो अलाउड नहीं है, बट यहाँ के फोटोग्राफ्स वगैरह मैं दिखाता हूँ, मतलब ये अभी आप शायद इससे रिलेट नहीं कर पाओगे, बट एक बार जब आप इसमें से घूम के आओगे ना, जब आपको पता लगेगा कि क्या हुआ था इन लोगों के साथ, कैसे इनको अपने घर से निकाल दिया गया, रातों रात अबैंडन करना पड़ा इनको अपना, मतलब पुश्तैनी मकान सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा, लोग अपने परिवार वालों को मतलब परिवार के लोगों को अपने हाथों से मारा है लोगों ने, ताकि मतलब उनके साथ जिल्लत ना हो पार्टीशन में, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा। ठीक है, बट यही है कि ये फैक्ट है तो सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग अमृतसर आ रहे हो तो जाओ पार्टीशन म्यूजियम, एक बार घूमो अच्छे से देखो, और टाइम लेकर के आना आराम से, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में आ गया जल्दी जल्दी कर दिए, आराम से टाइम निकाल के आना, टाइम निकाल के देखना, और फिर आप भी इंजॉय करोगे, इंजॉय तो नहीं करोगे डिस्टर्ब हो जाओगे, बट हाँ आपको काफ़ी कुछ पता लगेगा, मेरे को भी काफ़ी कुछ पता लगा, हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर आओ यहाँ पे। अभी हम लोग जा रहे हैं अटारी बॉर्डर और वहाँ पे परेड देखेंगे शाम में जो परेड होता है, देन फिर देखते आगे का क्या प्लान है। गाइस अभी बाघा बॉर्डर आ गए हम लोग, एक्चुअली अटारी बॉर्डर है। एक फन फैक्ट बताता हूँ मैं आप लोगों को, बाघा बॉर्डर लोग इसको जनरली बोलते हैं, बट जो बाघा बॉर्डर है वो पडली साइड को है, मतलब पाकिस्तान साइड वाले जो बॉर्डर है ना वो है बाघा, इंडिया साइड में जो बॉर्डर है वो अटारी बॉर्डर है, तो यही अटारी बॉर्डर पर आ गया। शाम में परेड होता है यहाँ पे, तो वही परेड देख रहा है। हम लोग ऑटो ले लिए थे अमृतसर से, 3 लोगों का गोल्डन टेम्पल के पास से ही ऑटो मिला था, 500 रुपये का ऑटो का यहाँ पे आए, और बैग जो हम लोग लेके आए थे, बैग लेके अंदर जाना शायद अलाउड नहीं है, तो बैग उन्होंने डिपॉजिट किया, उसका अलग से 150 रुपया और ले लिया हम लोगों से, तो ठीक है सोफा ठीक है। अभी जा रहे हैं अंदर, अंदर जाके फिर थोड़ा दूर है यहाँ से। एक बात और बताता हूँ आपको, यहाँ से देखो यहाँ से लाहौर जो है ना वो सिर्फ 23 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से अमृतसर भी ऑलमोस्ट 23 किलोमीटर दूर है, मतलब बॉर्डर बिल्कुल बीचों बीच में है, अमृतसर और लाहौर के बीच में बॉर्डर है। पहले बॉर्डर नहीं था तो अमृतसर और लाहौर में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड और ये सब होता था, कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज़्यादा था, बट अब बॉर्डर बन गया है तो लोग इधर से इस पार से उस पार नहीं जा पाते, बट ठीक है। अगर आप पार्टीशन म्यूजियम जाओगे तो पागल था ये ऑटो वाला, अगर आप पार्टीशन म्यूजियम जाओगे तो आपको पता लगेगा कि क्या डिफरेंस है कैसा है। चलो फिर मिलते हैं अंदर बाघा बॉर्डर में, अंदर आ चुके हैं अभी हम लोग, देख सकते हो सामने आप लोग, चलो चलते हैं, सीट लेते हैं, सीट लेके फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, थोड़े बहुत टाइम लैप्स वगैरह बना लूँगा,
देखते हैं कैसा रहता है ये एक्सपीरियंस। ऑल दो मैं एक बार पहले आ चुका हूँ यहाँ बट तब बहुत छोटा था, फिर से देखते हैं कैसा लगता है। यही सामने सिटिंग अरेंजमेंट्स है, बड़ा बड़ा इंडिया लिखा हुआ है और यहाँ तिरंगा है। चलो देखते हैं। सर्वप्रथम 11 अक्टूबर 1947 में ठहरा है। 50 के दशक के मध्य में गाइज परेड देख के निकल गए। मैं क्लिप्स वगैरह डाल दूंगा इसमें। काफ़ी एनर्जेटिक था पिछली बार की तरह, इस बार भी काफ़ी एनर्जेटिक था। पीछे यही है मेन पोडियम और यहीं पे अभी देखे हम लोग परेड। और ये पीछे मेरे देख सकते हो आप लोग बॉर्डर, यहाँ पे सामने बॉर्डर है। इतने नज़दीक से बॉर्डर से मैंने पहली बार देखा। और भी जगहों पर गया था मैं, जैसे राजस्थान वाले ट्रिप में भी आपने देखा होगा मैंने बॉर्डर दिखाया था तनोट माता के पास, बट इतना करीब तक जाने का परमिशन नहीं देते। जस्ट जो उस साइड में आपको ग्रीन ग्रीन खेत दिख रहा है ना, ग्रीन जो भी खेत दिख रहा है वो सब पाकिस्तान है। यहाँ पर BSF का चेक पोस्ट है, छोटा सा चेक पोस्ट है। गाइस अभी मैंने बात किया यहाँ पे एक सर थे, उन्होंने बताया ये भी एक्चुअली इंडिया है, पाकिस्तान उस साइड को है किधर,
और ये जो है फेंसिंग हम लोगों ने थोड़ा जमीन छोड़ के किया हुआ है, तो इसीलिए हम ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, बट एग्जैक्टली उस साइड पाकिस्तान नहीं है। ये जो पेड़ सामने आपको दिख रहा है या फिर खेत जो दिख रहा है, ये सब इंडिया का ही है, मतलब इंडियन किसान लोग ही इधर फसल कर फार्मिंग करते हैं। देख सकते हो पूरा फार्मिंग हुआ है। पाकिस्तान उस साइड को है, मतलब जो हमने अभी देखा बॉर्डर, उसके उस साइड को पाकिस्तान है, बाकी इधर सब इंडिया ही है। ये यहाँ पे गेट का रेप्लिका बनाया हुआ है, जस्ट इंडिया इंडिया भारत लिखा हुआ है, और यहाँ पे सब फोटो खिंचाते हैं एज इफ कि बॉर्डर है, बट बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर के बहुत इधर ही गेट बनाया हुआ है, फोटोग्राफी के लिए सब बनाया हुआ है। स्वागत है आप सभी लोगों का गोल्डन टेम्पल में। अभी मैं एक्चुअली गोल्डन टेम्पल आ चुका हूँ, सुबह आया था, 7 बजे कह रहा हूँ, अभी 10 बज रहा होगा, दर्शन हो गया हम लोगों का। देख सकते हो आप लोग यहाँ पीछे सामने गोल्डन टेम्पल है मेरे। और पहले हम लोगों ने इस कुंड में नहाना होता है, पहले कुंड में नहाया, बहुत ठंडा था यार, बट मज़ा आ गया नहा के। उसके बाद फिर दर्शन किया हम लोगों ने, और अभी हम लोग लंगर खा के एंड देन अभी निकलने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस, रात में भी आया था मैं, बट कल रात को वीडियो नहीं बना पाया था, तो आज रात को मैं कोशिश करूंगा वीडियोस वगैरह भी बना दूंगा, रात का, रात में और सुंदर लगता है। और बाकी फोटोग्राफ्स वगैरह है वो सब मैं डाल दूंगा व्लॉग में, सो दैट आप लोग चेक कर सकते हो। चलो ठीक है, अंदर दर्शन वगैरह हो गया, अभी बाहर निकलता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी जलियांवाला बाग जाना है, सामने ही है जलियांवाला बाग, तो वो भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को बाहर निकल के, पूरा रास्ता और ये सब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। गाइज निकल गया, पीछे देख सकते हो आप लोग, मेन रोड यही है जो पीछे दिख रहा है आप लोगों को। बाकी अभी जा रहे हैं शूज़ लेने, शूज़ लेंगे एंड देन फिर पहले रूम जाएंगे, उसका जलियांवाला बाग जाएंगे, बगल में ही है सब कुछ, जहाँ पे हम लोगों ने लिया है ना बैकपैकर्स नेस्ट, जो हम लोगों का हॉस्टल है। हॉस्टल भी ओके है, मतलब लोकेशन काफ़ी अच्छा है, बट कॉमन एरिया ज़्यादा, मतलब उतना अच्छा नहीं है जितना गो स्टॉप और ये सब का होता है। बाकी रहने वहने का अकोमोडेशन ये सब सही है, तो ले सकते हो आप लोग भी। पहले जाएंगे हम लोग नेस्ट वहीं पर रूम जाएंगे एंड देन फिर वहाँ से सामान वामान रख के एंड देन फिर उसके बाद जलियांवाला बाग जाएंगे। अभी मैं आ गया हूँ जलियांवाला बाग, यहाँ पे एंट्री बिल्कुल फ्री है, आप लोगों को कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं देना है। और इसका हिस्ट्री जो है ना काफ़ी डिस्टर्बिंग है, आई होप आप लोगों को पता होगा कि ऐसे एक ब्रिटिश जनरल ने, जनरल डायन ने गोलियां चला दिया था निहत्ते लोगों पे, और जो सरकारी आंकड़े 375 के अराउंड लोग मर गए थे और 1200 वुंडेड हुए थे, मतलब घायल हुए थे। तो उसी के याद में यही वो पार्क है एक्चुअली जहाँ पे गोली चली थी, और उसी के याद में इस पार्क को मेंटेन किया गया है। देख सकते हो आप लोग मेरे आसपास, सामने ये मेमोरियल बनाया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे एक गैलरी था जहाँ पे बेसिकली फोटोग्राफ्स वगैरह लगा हुआ था, बताया हुआ था कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था उसके बारे में था, तो वो गैलरी विजिट कर लेना अगर आप लोग जलियांवाला बाग आ रहे हो। स्टोरी भी चल रहा था जनरल डायर का, जो पूरा इन्वेस्टिगेशन ये सब हुआ था। ये उस समय का ओरिजिनल वॉल है, मतलब जो म्यूजियम का ओरिजिनल वॉल है ना वो अभी तक प्रिजर्व किया गया, और ये सारे जो आप लोग व्हाइट स्पॉट्स देख रहे हो वहाँ पे बुलेट्स लगे थे, तो उनको मार्क किया हुआ है। ये सामने वाले में बुलेट होल्स दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ओपन फायरिंग हुआ था, सब पे ओपन फायरिंग किया गया था, तो उससे जो पूरा वॉल डैमेज हुआ था ना उसको अभी तक प्रिजर्व किया गया। देख सकते हो ये बिल्कुल ओरिजिनल वॉल है। बहुत सारे जो वॉल्स है ना उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, बट वो वाला जो वॉल है जहाँ पे बुलेट्स के निशान है वो अभी भी एकदम ओरिजिनल है, जो उस समय जो वॉल था जिस पर लगा था बुलेट वही है, बाकी बहुत सारा रिक्रिएशन हुआ है। यहाँ पे भी ये एक छोटा सा आर्किटेक्चर है, उसमें भी पूरा गोलियों के निशान है, देख सकते हो आप लोग। यही सामने गैलरी है, तो यहाँ पे अंदर फोटोग्राफ्स वगैरह लगे हुए, और इस साइड में एक वेल है। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि जब फायरिंग ओपन हुआ था, इस पार्क में आने और जाने का ना एक ही रास्ता था, और वहीं पे सब पुलिस वाले खड़े होके, मतलब मिलिट्री
खड़ी होकर फायरिंग कर दी थी। तो बहुत सारे लोगों ने अपना जान बचाने के लिए, एक कुआं था इस पार्क में, उसमें छलांग लगा दिया और अल्टीमेटली वो लोग भी मर गए, शहीद हो गए कुएं में गिर के। बट यही है वो कुआं, देख सकते हो, ये देखो यही है वो वेल। रिफ्लेक्शन हो रहा था बट दिख रहा होगा, आई होप। इसका नाम है शहीद वेल। ये सामने अमर ज्योति जलाया गया उन लोगों के याद में जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी जलियांवाला बाग में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट डे है और मैं फिर से जलियांवाला बाग आ गया हूँ। एक्चुअली कल ना कुछ ब्लॉग्स छूट गए थे हमारे, कुछ लेट हो रहा था, आदित्य को निकलना था, मेरा एक फ्रेंड है वो भी आया हुआ था तो उसको निकलना था, इसलिए हम लोगों ने कुछ ब्लॉग स्किप कर दिया था, उसका बस था। तो अभी मैं सुबह आया हूँ फिर से उन ब्लॉग्स को कवर करने के लिए। ये देख सकते हो एक ब्लॉग है मेरे सामने, ये तीन हॉल था मेरे पीछे, उसमें भी बेसिकली जलियांवाला बाग में कैसे क्या क्या इंसिडेंट हुआ पूरा वीडियो डिपिक्शन के थ्रू बताया गया था। काफ़ी सही था यार, लेकिन मतलब यही काफ़ी सही था जो यहाँ पे बनाया हुआ था, बट जो हुआ वो तो बहुत गलत हुआ। एंड आई थिंक ब्रिटिश को माफ़ी मांगना चाहिए यार इंडिया से, मतलब जो उन्होंने किया ना बहुत गलत किया। मतलब पार्टीशन म्यूजियम देखने के बाद, ये देखने के बाद काफ़ी, एक बार पहले भी आया था मैं बट इस लेवल का इम्पैक्ट नहीं हुआ था, काफ़ी डिस्टर्बिंग है ये चीज़ें। मतलब पता सबको है, स्टोरीज सबको पता है, बट वहाँ पे खड़ा होकर उस चीज़ों को महसूस करना काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है। एंड आई होप कि आप लोग सब आओ एक बार आके देखो, थोड़ा डिस्टर्बिंग तो है बट हाँ ठीक है, यही है हमारा हिस्ट्री तो सबको पता होना चाहिए। चलो एक दो गैलरी और है वहाँ भी चलते हैं, देखते हैं उधर क्या है। ये लास्ट गैलरी है यहाँ पे एग्जिट गेट के पास, इधर से एग्जिट है। अब इन्होंने दो एग्जिट बना दिया, पहले सिर्फ एक ही एग्जिट था जो कि उस साइड को था, अभी जो एंट्री है ना पहले यही एंट्री और एग्जिट दोनों हुआ करता था, इसीलिए लोग भाग नहीं पाए थे। बहुत पतली सी एक गली है जहाँ से एंट्री एग्जिट होता था और ब्रिटिशर्स जो भी सोल्जर्स थे, 90 सोल्जर्स आए थे, वो सब उसी गेट के पास खड़े होकर ओपन फायर किए थे। अब गवर्नमेंट ने बेसिकली एक और एग्जिट बना दिया, यहाँ से इधर से एग्जिट है, ये लास्ट वाला लास्ट हॉल है, ये वाला गैलरी देख के फिर हम लोग भी एग्जिट कर जाएंगे। ये सरदार उद्धव सिंह है, इन्होंने जनरल डायर को मारा था, लंदन जाकर गोली मारा था उनको, और ये इनकी अस्थियाँ रखी हुई हैं जिनको 1974 में इंडिया लाया गया, देख सकते हो। ये है जिन्होंने रिवेंज लिया बेसिकली जलियांवाला बाग का, इनके वर्ड्स। ये लास्ट में एग्जिट गेट के पास एक पोडियम बनाया हुआ है ऐसे बैठने के लिए, और यहाँ पे जो भी ग्रेट लीडर्स हुए हमारे देश के, उन सब ने, सबों ने जो भी फेमस लाइंस दिए थे वो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हो आप लोग। उद्धव सिंह ने बोला था, जो अंदर भी दिखाया था मैंने, तो यही बोला था जब उनको डेथ सेंटेंस मिला था लंदन में, तो यही सब है जिन्होंने भी जो भी बोला था उन सब के बारे में लिखा हुआ है, उनका नाम लिखा हुआ है। काफ़ी सही है, बैठने के लिए बनाया हुआ है, अगर आपको बैठ के थोड़ा रिलैक्स करना है तो यहाँ बैठ के रिलैक्स कर सकते हो, इन लाइनों को पढ़ सकते हो। दिस मीन्स अ लॉट, मतलब आज़ादी में इन लाइनों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था इन लाइनों का, तो अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा है। कभी अगर आप लोग आओ अमृतसर तो यहाँ तो डेफिनेटली आओगे ही, अच्छे से घूमना, टाइम लेके आना आराम से। पार्टीशन म्यूजियम और ये दोनों एक दिन ट्राई करना, एक ही दिन में कंप्लीट करने का, तो उससे क्या है कि आपको ज़्यादा अच्छा कॉन्टैक्ट मिलेगा और पूरा अच्छे से पढ़ लोगे ना सारा, अगर सारा जो भी लिखा हुआ है उन सबको पढ़ लोगे तो पूरा अच्छे से पता लग जाएगा आपको क्या है। बाकी वीडियोज़ वगैरह भी चलता है पार्टीशन म्यूजियम में, आप ऑडियो गाइड भी ले सकते हो, उसकी मदद से भी आपको बहुत कुछ अच्छे से पता चलेगा। चलो फिर अमृतसर में और तो कुछ है नहीं, चलो पहले एक बार मैं हॉस्टल जाता हूँ फिर बात करते हैं आगे अमृतसर के ऊपर। हेलो यात्री, स्वागत है आप सभी लोगों का इस लास्ट पार्ट में, अमृतसर का ये लास्ट ब्लॉग है, आज मेरा लास्ट इवनिंग है अमृतसर में, इसके बाद मैं निकल जाऊंगा कल पठानकोट के लिए। तो मैंने सोचा रात में एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, ऑल दो मैं कल परसों से घूम रहा था बट आप लोगों को दिखा नहीं पाया था, एक बार पहले जल्दी जल्दी देख लो। ये जो सामने आप लोगों को ये गेट दिख रहा ना, ये है बैकपैकर्स नेस्ट का गेट, सॉरी यहाँ पर ट्रैफिक नॉइज बहुत ज़्यादा है, यही अंदर बैकपैकर्स नेस्ट, ओके ओके। इसके सामने आपको एक राज ढाबा करके है, इसमें बढ़िया खाना मिलता है, और बिल्कुल सामने जो आपको लाइट दिख रहा है रंग बिरंगा, दैट इज़ टाउन हॉल, और टाउन हॉल में ही आपका पार्टीशन म्यूजियम है,
तो वो सब मैं दिखाऊंगा सब आपको। अभी पहले मैं जा रहा हूँ डिनर करने, तो वो मैं दिखाता हूँ कहाँ जा रहा हूँ डिनर करने। यही सामने टाउन हॉल है और इसी के बिल्कुल अपोजिट साइड में यहाँ पे दो ढाबा है, एक ब्रदर्स ढाबा है, एक भगवान का ढाबा है। तो अभी मैं इन्हीं में जाऊँगा किसी में और यहाँ पे पहले डिनर करूँगा एंड देन फिर डिनर करके निकलूँगा। तो आप लोगों को टाउन हॉल दिखाता हूँ रात में कैसा लगता है। देख सकते हो बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वाइट लगा के ना इसको एकदम जगमग कर दिया। और इसके अंदर भी रेस्टोरेंट्स है, टाउन हॉल में भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, डोमिनोज वगैरह मिल जाएगा। बाकी एक आपको रंग पंजाब करके, उसका रिव्यू तो अच्छा नहीं है भाई, मैं पहला दिन गया था उसमें, एक तो बहुत एक्सपेंसिव है और ऊपर से खाना भी अच्छा नहीं था, वो भी दिखाता हूँ वहाँ पे। तो यही है सामने लेफ्ट साइड में अपने अपना नेस्ट वो है बैकपैकर्स नेस्ट, सामने टाउन हॉल, इधर ढाबे, ढाबों में अच्छा खाना मिलता है, दोनों में अच्छा मिलता है यहाँ पे, तो इन दोनों को आप ट्राई कर सकते हो। आगे को है अपना क्या बोलते हैं उसको जलियांवाला बाग एंड देन अपना गोल्डन टेंपल, मतलब गोल्डन टेंपल भी उधर ही से आगे से राइट को है, तो वो सब दिखाता हूँ। इधर से चलेंगे हम लोग, इधर से भी रास्ता है, इधर से भी जाने का रास्ता है, दोनों साइड से रास्ता है, बट हम लोग इधर से जाएंगे टाउन हॉल होके, टाउन हॉल में काफ़ी सुंदर लगता है अंदर, तो वो सब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को डिनर के बाद। अभी मैं यहीं जा रहा हूँ डिनर करने। ये इसका ना सिंस 1912 100 साल से ऊपर हो चुका है इस ढाबे का, तो इसी में जाता हूँ अभी डिनर करता हूँ, निकल के फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे का। गाइस निकल गया हूँ खा के, बहुत टेस्टी खाना था, मज़ा आ गया। यहीं सामने इसी गेट के उस साइड हम लोग का पीजी है जहाँ से आए थे, और जस्ट अपोजिट साइड आप देख सकते हो टाउन हॉल, और यहाँ देखो पूरा लाइट लगाया हुआ है, बहुत अच्छा है। यही है वो ढाबा रंग पंजाब, एक्सपेंसिव है और मेरे को तो खाना उतना अच्छा नहीं लगा, बाकी अगर किसी और को अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कि क्या ट्राई करना चाहिए था मुझे। मैंने स्पेशल थाली ऑर्डर किया था, उतना अच्छा नहीं था। ये देखो यहाँ टॉय ट्रेन भी चलता है, बाकी इधर भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारों में तो मैंने ट्राई भी नहीं किया, इतने हैं इधर की क्या क्या ट्राई करूँ। ये टाउन हॉल से आप बाहर निकलोगे ना, जैसा सामने चौराहे पे भीमराव अम्बेडकर का यहाँ पे स्टैचू बनाया हुआ है, नीचे पार्लियामेंट है और उसके ऊपर भीमराव अम्बेडकर खड़े हैं, सामने कॉन्स्टिट्यूशन रखा हुआ है उसको रिप्रेजेंट किया है, देख सकते हो। गाइस ये सामने भीमराव अम्बेडकर वाला जो चौक है उससे आप लोग आगे बढ़ोगे इस रास्ते से तो सामने ये दूसरा चौक आ जाएगा, यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति बनाई हुई है, उस साइड से फेस दिखता है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ ना जिस पीजी में, उसमें पार्किंग का फैसिलिटी नहीं है, तो यहीं पे आगे ना सरकारी पार्किंग है, उसमें मैंने बाइक लगाया हुआ अपना, एक दिन का वो 30 रुपये लेता है, तो वो भी कल सुबह निकाल के लाना पड़ेगा। ये महाराजा रंजीत सिंह, आई गेस इनके ना फेस पे भी लाइट लगाना चाहिए, फेस पे लाइट ही नहीं आ रहा है, कुछ दिमाग लगाना चाहिए इसके, इनके फेस पे लाइट लगाने के लिए। बट यही है महाराजा रंजीत सिंह का मूर्ति है, यहाँ पे देख सकते हो ब्लॉकेट किया हुआ है ताकि कोई भी व्हीकल उधर नहीं जा सके। ये हम लोग जलियांवाला बाग पहुँच गए, यही जो सामने मॉन्यूमेंट बना हुआ है इसी के अंदर है जलियांवाला बाग का, जो दोनों बिल्डिंग के बीच से एंट्री दिख रहा है वही एंट्री है जलियांवाला बाग का। ये देखो गेट है, ये गोल्डन टेम्पल का मेन गेट, अभी दिखाता हूँ आगे से। ये पहुँच गए हम लोग गोल्डन टेम्पल, सामने ये मेन गेट है, इधर आपको शूज़ वगैरह जमा होता है। सामने एक ना रेस्टोरेंट, मतलब छोटा सा कैफे, कैफे भी नहीं बोल पाऊँगा, मतलब छोटा सा स्टॉल है, और यहाँ पे देखो कितनी सस्ती सामान मिलती है, मतलब कैपेचिनो 15 रुपये का, कोल्ड कॉफ़ी 18, आइस टी 13 और मैगी नूडल्स 15 का, तो काफ़ी इकोनॉमिकल है। ये देखो सामने से मेन गेट, रात में बहुत सुंदर लगता है, अंदर से गोल्डन टेम्पल और भी सुंदर लगता है, वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़े देर में। गाइस यही है गोल्डन टेंपल का व्यू लास्ट में, और यही है इस व्लॉग का भी एंड। कल मैं पठानकोट निकल रहा हूँ, देख सकते हो अमृतसर से कल निकल जाऊँगा, चारों तरफ का व्यू देखो रात में काफ़ी सुंदर लगता है, तो अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ घूमने तो ज़रूर से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग रात में एक बार ज़रूर आके गोल्डन टेंपल घूमना, रात भर खुला रहता है शायद, ये वाला तो कैंपस पूरी रात खुला रहता है, मेन मंदिर जो है, मेन मंदिर जो सामने है वो बंद हो जाता है, वो भी बंद हो गया है, मेरे को लगता है वो भी 9:30-10 बजे तक बंद होता है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ अभी भी लोग है, लास्ट लॉट अभी भी है और अभी 10:30 हो रहा है। तो यही है मंदिर, मैंने भी सोचा लास्ट में आप लोगों को भी दिखा देता हूँ रात का, एंड देन फिर मैं भी निकल रहा था तो एक बार मेरा भी मन था रात को लास्ट में बार देखने का। चलो गाइस इसी व्यू के साथ, मंदिर के इसी व्यू के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करता हूँ।
चलो अमृतसर में काफ़ी अच्छा था। आप लोगों को भी अगर आना है तो आ जाओ, अच्छे से घूमो अमृतसर, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेरा तो टाइम काफ़ी अच्छे से यहाँ पे गया। चलो इसी गोल्डन टेम्पल के व्यू के साथ मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट पठानकोट जा रहा हूँ, वहाँ पे शायद वीडियो नहीं आएगा, एक दिन का होल्ट ले रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे हिमाचल निकल जाऊँगा, तो शायद हिमाचल से ब्लॉग आएगा। चलो फिर मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस वर्चुअल यात्रा में आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। धन्यवाद।